नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हर बार हम आपको बताते हैं कि हर सपने का कोई ना कोई अर्थ या मतलब अवश्य होता है। सपनों से आपको ऐसे संकेत मिलते हैं जो कि आपकी वास्तविक जीवन यानी कि रियल लाइफ में आपके साथ क्या चल रहा है और भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा, इसके बारे में सपने आपको संकेत देते हैं। तो सपनों से मिलने वाले संकेत आपको समझने आने चाहिए ताकि आप आगे अपना भला कर सकें और अपना शुभ कर सकें। आज हम एक बहुत ज़रूरी सपने के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि कुछ लड़कियां, ज़्यादातर ऐसा सपना लड़कियों को आता है या औरतों को आता है, तो सपने में उनको ऐसा दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति उनका शारीरिक शोषण कर रहा है, यानी कि उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। तो ऐसा सपना देखना, किसी और के साथ ऐसा होता हुआ देखना या खुद के साथ ऐसा होते हुए देखना या परिवार के किसी स्त्री के साथ ऐसा होता हुआ देखना का फल क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सपने में यदि आप किसी और के साथ जोर जबरदस्ती होते हुए देखते हैं, किसी लड़की के साथ या महिला के साथ, तो ऐसा सपना देखने का अर्थ होता है कि आप अपने भविष्य को लेकर, अपने आगे आने वाले समय को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता कर रहे हैं या किसी समस्या से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए आप इस समय अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। तो ऐसे में आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मजबूत करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करते हैं तो आगे आपका भला होगा, मंगल होगा। यदि किसी प्रकार के एग्ज़ाम या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपने खुद के साथ जोर जबरदस्ती होते देख रही हैं, खासकर लड़कियों के लिए, तो ऐसे में इसका अर्थ होता है कि इस समय आप किसी ना किसी प्रकार की मानसिक समस्या का शिकार हैं। आपको ज़्यादा तनाव या एंग्जाइटी, डिप्रेशन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है वास्तविक जीवन में। ऐसे में आप अपने आप को कमज़ोर, लाचार समझ रही हैं या आगे आने वाले भविष्य का, समय का सामना करने से डर रही हैं। इसका एक ही उपाय होता है और वो यह होता है कि ऐसे में आपको आपके इष्ट की शरण में जाना चाहिए। रोजाना सुबह उठकर अपने इष्ट की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने मंगल की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अंदरूनी ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, ईश्वरीय साथ मिलेगा और ऐसे में आप अपनी समस्याओं से मुक्ति जल्दी पा लेंगे और आगे आने वाले समय में भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका भी मंगल होगा। सपने में आप देखते हैं या देखती हैं कि आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ, जैसे बहन के साथ या माता के साथ, कोई गलत काम कर रहा है या जोर जबरदस्ती छेड़खानी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति का कि आप अपने फ्यूचर को लेकर या अपने घर वालों के फ्यूचर को लेकर परेशान हैं या उनकी ज़रूरत से ज़्यादा आप चिंता कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे मन से उनका साथ दीजिए, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए और अपने लिए भी कीजिए ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे और सुख शांति और समृद्धि से भरपूर रहे। सपने में यदि आप ऐसा देखती हैं आपको कोई किडनैप कर ले गया है और आपके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में आप उसका मुकाबला कर रही हैं और आप बच जाती हैं, तो इसका यह अर्थ होता है आगे आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो भी समस्याएं या कष्ट आप झेल रही हैं या झेल चुकी हैं, उनका अंत होने वाला है और आगे आने वाला समय में आपका मंगल होगा और घर परिवार में, आपके जीवन में सुख शांति का संचार होगा। तो ये चार बातें होती हैं जो अक्सर लड़कियां सपने में देखती हैं जब वह ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर या तनाव की स्थिति में होती हैं। ऐसे में ऐसी बहनों से हमारा यही अनुरोध है कि आपको मजबूत बनना है, आगे आपको बहुत सारा जीवन जीना है, बहुत सारी परेशानियों का या समस्याओं का सामना करना है। अपने आप को तैयार रखिए, अपने इष्ट का हमेशा स्मरण करें
पूजा अर्चना करें रोजाना नित्य रूप से। ऐसा करने से जो भी बुरे प्रभाव आगे आपके जीवन में आने हैं वह नष्ट हो जाएंगे और आपको अंदरूनी शक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो ऐसे में आपका भला हो पाएगा, आपका मंगल हो पाएगा। यह जानकारी छोटी सी थी लेकिन हमारी बहनों के साथ शेयर करना ज़रूरी था, इसलिए हमने शेयर किया। तो ये थी आज की जानकारी, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।